ऑफिस से फ्री हो गए, अब बस घर जाने की तैयारी हो रही। ये अरफात भाई के साथ ऑफिस में आज, और आज चांद रात है वैसे, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सादती के ब्लॉग में। और अब हमारा जिम टाइम चल रहा है अरफात भाई के साथ। सुबह से मैं शाम तक ऑफिस में था, उसके बाद फिर कायम भाई को प्यार किया और ये आप जिम आ गए, ताकि अभी थोड़ी देर करें ताकि कल जब कमीज शलवार पहने तो ज़रा बॉडी अच्छी लगेगी। अरफात भाई सही बात है, तो बस अब जिम करते हैं, उसके बाद अभी एक डेढ़ घंटे बाद फिर मगरिब होगी, उसके बाद चांद रात स्टार्ट हो जाएगी, उसके अलग ही मज़ा है। तो अब जिम करते हैं, बाकी का ब्लॉग फिर स्टार्ट करते हैं। इनकी मिनी मंडी दिखाओ कितनी बड़ी लगी है यहाँ। ये जानवर भी यहाँ सबसे हैवी, मैं भाई कितना सा गया थे बकरा, अभी सबसे हैवी यहाँ पर ये वाला जानवर है। सर पर लगाओ, सर पर लगाओ। हाँ सर पर हाथ लगाऊंगा, मारेगा ये भी। करीब जाओ ना, क्या है दूर बात है। मुझे कल ईद है, ईद बनानी है मुझे। पीछे भी दिखाओ, पीछे छोटे छोटे जानवर खड़े मगर वीआईपी खड़े हैं सारे। और ये सारे बकरे इतने लाड में, इतने सारे आपको बकरे भी दिख रहे होंगे। अच्छा है ज़मीन पे इन्होंने पूरी। इसको शैम्पू से नहलाया होगा ना आपने? हाँ माशाल्लाह से। ओए मजा आ रहा है तो। ये तो पालने वाला सांप की दवा वाला चीज है। Oh,
अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। और कल सुबह 8 बजे से मैं उठा हुआ हूँ और 8 बजने वाले, और घर वालों से तो मैंने ईद मिल ली है, सोचा आप लोगों से भी मिली जाए क्योंकि आप भी तो हमारी फैमिली हैं। तो बस देखते हैं आज क्या मसरूफियात रहती है पूरे दिन। अभी थोड़ी देर में जानवर कटेंगे तो बस वहाँ जाएंगे, फिर दोस्तों में जाएंगे थोड़ी देर, अभी उससे पहले सोना भी है क्योंकि कल से जागने 24 घंटे हो चुके हैं, तो थोड़ी एनर्जी के लिए सोना भी पड़ेगा। तो सोते हैं फिर आपसे मिलते हैं। कुर्बानी से फ्री हो गए और शाम हो गई थी, सोचा हम यासीन भाई से आए मिलने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और काफ़ी दिनों बाद जो है हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, और फॉर्चुनेटली ईद का दिन है आज, तो बस ये है कि ईद की खुशियों में जो है आप अपने साथ जो है दूसरे लोगों को भी याद रखें, और कुर्बानी का जो है जो गोश्त है वो थोड़े से नॉर्मल लोग जो हैं उनमें भी तकसीम कीजिए, और कोरोना का खास ख्याल रखिए। बिल्कुल भाई, अभी तो ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है तो उसका बहुत एहतियात रखें। इंडियन वेरिएंट जो है बहुत ज़्यादा कराची में स्पेशली बहुत आ रहा है, तो बस प्रिकॉशंस रखिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए ईद को। तो हमारी अब यहाँ चाय चल रही है, शाम हो रही है तो चाय तो थोड़ी बहुत बनती है दोस्तों के साथ, तो आपको थोड़े शॉट दिखाते हैं, देन देखते हैं आगे कैसा दिन जाता है। पहले मैं पूछ रहा था क्या करवाना है। यासीन भाई के घर पे काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे, शाम में वहीं थे क्योंकि ईद का दिन है और पिक्चर्स ना खिंचवाएं तो ऐसा हो नहीं सकता, तो यासीन भाई के घर पे थे, पिक्चर्स क्लिक करवाई, देन फिर मानिक भाई के घर पे आ गए, यहाँ इनकी गाय और बकरे कट रहे थे तो सारी यहाँ सबकी बैठक लगी हुई थी, तो अभी यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पीछे अभी भी चल ही रहा है कटिंग गाय की, तो बस यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। बहुत सारे अभी दोस्तों से और भी मिलना ईद, तो चलते हैं फिर आगे का ब्लॉग वहीं से स्टार्ट करते हैं। डव बट या तो मैंने नेट पे देखा था या मैंने डव साबुन पे देखा था, मगर मेरे पीछे अभी वही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ईद मुबारक भाई। डर मुबारक सर। फिर ईदी बांटनी है सबको जाकर, और पीछे गोश रखा हुआ है तो वो भी अभी बांटने जाने तला भाई के साथ। चले तला भाई। रुके हुए ईद का दूसरा दिन है, और ये कि इनके कुछ ज्यादा ही नखरे थे, क्यों तला भाई? हाँ बस नखरे इन लोगों के ऐसे हैं कि क्या कह सकते हैं, अभी फ़ोन पे इन्होंने इनसे पूछा कि अभी रेडी है, तो उन्होंने बोला जी आप आ जाएं, अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे है नहीं, और अभी ब्रेक में कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, तो जाहिर है जो लॉन्ग डिस्टेंस से लॉन्ग रूट से जो लोग आते हैं तो उनके लिए एक हेक्टिक है, इतनी ड्राइव करने के बाद आके ऐसे जवाब मिले, ना तो इनकी कोई डिलीवरी है ना फिर कुछ, और अभी कितना टाइम भी नहीं हुआ, 2-6 हुए थे यार दे सकते थे बस, मगर अभी ये तो पीक टाइम है लोगों के लिए आने का, लेकिन क्या कहें बस नाम है तो कह सकते हैं क्योंकि ब्रांच भी इनकी। ईद मुबारक अहमद ब्रो। हार्ड है ना,
पतले हो गए वो इंग्लिश लफ्ज़ क्यों बल्ले बनना ना किस हो गए थे इंग्लिश लफ्ज़ तो वही सुना है ना हमने तो उर्दू हमने इतनी ज़्यादा गाड़ी कभी सुनी नहीं है गाड़ी उर्दू नहीं था हम बहुत चल के उर्दू है गाड़ी उर्दू तो अपने आज ईद का दूसरा दिन है और हमारी फैमिली बारबेक्यू पार्टी होती है सारे कज़न बाहर आए हुए हैं तो आपको थोड़ा दिखाते हैं कि बारबेक्यू पार्टी हमारी चल रही है पीछे सारे आपको दिख रहे होंगे सारे लगे हुए बड़ा शोर शराबा यहाँ चल रहा है तो फिर मैं जब ही कमरे के अंदर आ गया था तो इंशाल्लाह आपसे अब ईद के तीसरे दिन मुलाकात होती है ईद मुबारक नल भाई खैर मुबारक साथ भाई कैसे हैं माशाल्लाह मुलाकात हो गई आपसे आज जी फाइनली सेकंड डे अस्सलाम वालेकुम और आज ईद का तीसरा दिन है और जुम्मा भी है माशाल्लाह से तो आप सबको जुम्मा मुबारक और वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई है तो वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से और घर अपनों से बनता है तो प्यार बांटिए खुश रहिए और अपने पेरेंट्स का और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़